मथुरा वो स्थान जहाँ स्वयं श्री भगवान ने जन्म लेकर इस धरती को पावन और पवित्र कर दिया। और आज हम जिस पर्व की बात कर रहे हैं वो कोई पर्व नहीं बल्कि आस्था का महासागर है, जिसमें डुबकी लगाने लाखों लोग इस पवित्र भूमि पर हर साल आते हैं। राधे राधे दोस्तों, ऐसे उत्सव में आपका स्वागत है जैसा और कोई नहीं। आज हम मथुरा के आध्यात्मिक हृदय स्थल की एक शानदार यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां भक्ति सबसे भव्य तरीके से एक उत्सव से मिलती है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आनंदमय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में डूब गए हैं। जैसे ही सूरज डूबता है और शाम आसमान को ढक लेती है, मथुरा एक बेजोड़ जोश के साथ जाग उठता है। वातावरण प्रत्याशा और श्रद्धा से भर जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आध्यात्मिक भक्ति के साथ मनाया जाता है। दुनिया भर से लोग दिव्य उत्सव का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन लोगों में से हम भी एक थे जिसे इस पावन अवसर पर इस आस्था के महासागर में डुबकी लगाने का अवसर मिला। हमने अपने सफर की शुरुआत की मथुरा की सड़कों से, जहां हर मोड़ पे इस पर्व की खुशी का प्रसाद लोगों के बीच बांटा जा रहा था। हम जा रहे थे उस स्थान की तरफ जहां स्वयं श्री भगवान इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य रूप में अपने मामा कंस की जेल के कारागार में चार भुजाओं के साथ प्रकट हुए थे। जैसे जैसे हमारे कदम उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे, लोगों का जनसैलाब बढ़ता जा रहा था। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार इस दिन मथुरा में इस पर्व को मनाने लगभग 60 लाख लोग उपस्थित हुए थे। उनमें से एक हम भी थे जिसे यह सौभाग्य मिला। समय था रात्रि के 9 बजे का और लोगों का जनसैलाब प्रतीक्षा कर रहा था उस क्षण की, जिस क्षण श्री भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। हम इस जनसैलाब को चीर कर पहुँचते हैं एक पवित्र स्थान पर, जहाँ श्री भगवान ने प्रथम स्नान कर इस स्थान के जल को सदा के लिए पवित्र कर दिया, जिसे आज हम लोग पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं। राधे राधे गाइस, तो अभी हम हैं पोतरा कुंड पे, जहाँ पर प्रथम बार श्री कृष्ण ने स्नान किया था जन्म के पश्चात। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पोतरा कुंड। इस कुंड को आज के मॉडर्न युग के अनुसार लाइट और फाउंटेन से सुसज्जित किया गया था। कुंड के पास ही श्री प्रसाद पाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जिसमें हमने ग्रहण की पूरी और सब्जी और ब्रज के दूध से बनी शुद्ध खीर, जो बेहद ही स्वादिष्ट थी। रंग बिरंगे रंगों से भरे बाजारों और लोगों के हुजूम के बीच हम दर्शन कर चल पड़े हैं मथुरा की सड़कों पर, जहां निकलने वाली थी झांकियां, जिसके लिए हम बेहद ही उत्साहित थे। मथुरा को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसकी सुंदरता देख हमारा मन खुशी से भरा होता है। फिर हमारे सामने से एकाएक गुजरने लगती हैं झांकियां, जिन्हें देखने हम निकले थे मथुरा की सड़कों पर। ये झांकियां बेहद ही खूबसूरत थीं। झांकियों के बीच हमें मिलता है प्रसाद, जिसे ग्रहण कर और झांकियों के जादू को तोड़ हम चल पड़ते हैं मथुरा के उस मंदिर की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश के रूप में पूजा जाता है। और हमारा भाग्य हमारा साथ देता है और हमें प्रभु के दर्शन करने और उस पल को अपने कैमरे में कैद करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर
फिर हम इस भीड़ को छोड़ चल पड़ते हैं माँ यमुना के किनारे, जहाँ श्री भगवान ने मानव रूपी राक्षस अपने मामा कंस से इस धरती को मुक्त कर स्वयं विश्राम किया था, जिस वजह से इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। कुछ पल व्यतीत कर हम चल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। जैसे ही हम इस मनमोहक उत्सव को अलविदा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भावना हमारे दिलों में बस गई है। जो सबक हमने आत्मसात किया है और जो यादें हमने बनाई हैं, वे हमें प्रेम से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, मेरे दोस्त, कृष्ण की भावनाओं को गले लगाओ और इसे अनंत संभावनाओं के जीवन की ओर न जाने दो। राधे राधे।